वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं एस्ट्रा प्रो जो वर्डप्रेस थीम है उसको कैसे आप लोग कस्टमाइज करोगे। ठीक है, तो फ्री थीम को कैसे कस्टमाइज करते हैं, एस्ट्रा फ्री थीम जो है उसको कैसे कस्टमाइज करते हैं उसका मैं डिटेल्स वीडियो आपको अपलोड करके दे दिया हूँ। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपके पास प्रो थीम नहीं है तो आप लोग एस्ट्रा फ्री थीम को भी कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे कस्टमाइज करना है इस वीडियो को देखकर आप लोग क्लियर कर सकते हो। देख सकते हो हाउ टू कस्टमाइज एस्ट्रा फ्री थीम। ठीक है, इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एस्ट्रा जो फ्री थीम है उसको कस्टमाइज कर सकते हो। ये मेरा फ्री थीम का कस्टमाइजेशन है। इस तरह का कस्टमाइज आप लोग कर सकते हो अपना एस्ट्रा फ्री थीम को। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे एस्ट्रा प्रो थीम को कैसे कस्टमाइज करेंगे। इसी वेबसाइट में हम लोग एस्ट्रा प्रो थीम को इंस्टॉल करके यहाँ पर कस्टमाइजेशन करेंगे। एस्ट्रा प्रो थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके लिए मेरा ऑलरेडी वीडियो है, आप लोग देख सकते हो हाउ टू इंस्टॉल एस्ट्रा प्रो। इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कैसे एस्ट्रा प्रो थीम को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कोई भी थीम को इंस्टॉल वगैरह प्रोसेस का नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हम लोग एस्ट्रा थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कस्टमाइज करते हैं फ्री थीम को, वो हम लोग आपको बताया है, और एस्ट्रा प्रो थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी हम लोग आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए झटपट इस वीडियो को हम लोग एस्ट्रा प्रो थीम को कैसे कस्टमाइज करना है उसमें जाते हैं। और इस प्रोसेस में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग मेरा वेबसाइट में जा सकते हो। उसमें मेरा जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसको मैं अपलोड कर दिया हूँ। उस सेटिंग को आप लोग आपका जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसको अप्लाई कर दीजिएगा। मैं ज़्यादा कुछ सेटिंग इस वीडियो के अंदर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये जो फ्री थीम कस्टमाइजेशन में इसमें ही मैं सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताया हूँ। तो इस वीडियो में मैं जस्ट आपको सेटिंग को इंपोर्ट कर दूंगा और मेरा जो CSS कोड है, जो प्रोफाइल कोड है, वो सारा चीज़ें मैं मेरा वेबसाइट के अंदर यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एस्ट्रा प्रो कस्टमाइजेशन डाउनलोड सेटिंग डाउनलोड करने का ऑप्शन है और इस तरह का CSS कोड वगैरह हम लोग आपको प्रोवाइड कर दिया है हमारा वेबसाइट के अंदर। तो जहाँ से हम लोग इसको कैसे क्या करना है, कैसे सेटअप करना है, वही चीज़ इस वीडियो के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वेबसाइट के अंदर जाते हैं। इस वेबसाइट के अंदर हमारा ऑलरेडी एस्ट्रा फ्री थीम, एस्ट्रा प्रो थीम इंस्टॉल है। कैसे करना है वो अगर आप लोग ये दोनों वीडियो देख लेते हो तो इजीली ये आप लोग कर सकते हो। चलिए हम लोग इसका डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हो हमारा वेबसाइट है और इसके अंदर हम लोग जाएंगे एस्ट्रा में। यहाँ पर देख सकते हो एस्ट्रा में हम लोग जाएंगे सबसे पहले और एस्ट्रा का जो भी मॉड्यूल वगैरह है उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो वेलकम टू एस्ट्रा प्रो और स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये सारा मॉड्यूल है, कलर, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर ब्लॉक प्रो, ये सारा चीज़ें हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव ऑल यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक्टिव ऑल में क्लिक करेंगे तो हमारा जो सारा मॉड्यूल है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो सारा मॉड्यूल यहाँ पर हमारा एक्टिव हो चुका है। ई-कॉमर्स, लर्न डेस्क, ये सारा एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि इस तरह का कोई भी प्लगइन हम लोग हमारा वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल नहीं किया है। बाकी सब जो मॉड्यूल है वो हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग इसको कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कस्टमाइज करना है, हम लोग हमारा जो सेटिंग है उसको इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आपको एक प्लगइन यूज़ करना होगा। प्लगइन यूज़ करने के लिए यहाँ पर जाना है प्लगइन, एट न्यू प्लगइन में, और यहाँ पर मैं कौन सा प्लगइन यूज़ करना है वो दिखाया हो। यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो ये जो प्लगइन है इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कस्टमाइजेशन सेटिंग। इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और ये जो प्लगइन है ये यहाँ पर आ जाएगा। इस प्लगइन को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर यह प्लगइन है तो इंस्टॉल में क्लिक करते हैं इस प्लगइन को। ठीक है, ओके, हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अभी इसको हम लोग एक्टिव कर लेते हैं। प्लगइन को हम लोग एक्टिव कर लिया है और यहाँ पर हम लोग हमारा जो सेटिंग है उसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेटिंग को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर सेटिंग के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो इसको सेटिंग को इंपोर्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन आएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन के अंदर जाना है, एस्ट्रा प्रो सेटिंग के ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा इंपोर्ट सेटिंग और एक्सपोर्ट सेटिंग। तो हम लोग यहाँ पर सेटिंग को इंपोर्ट करेंगे। तो सेटिंग को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपका इंपोर्ट फाइल देना है। इंपोर्ट फाइल लेने के लिए यहाँ पर अगर आप लोग जाते हो तो यहाँ पर डाउनलोड एस्ट्रा कस्टमाइजेशन सेटिंग, इसमें अगर क्लिक करते हो तो जिप फाइल यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएगा। यह जो जिप फाइल है इसको आपको अनजिप करना होगा। तो यहाँ पर अगर जाते हो तो ये जो जिप फाइल है इसको राइट बटन क्लिक करके यहाँ पर अनजिप करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी अनजिप करके रखा हूँ। इसको क्लोज करते हैं और इस तरह का फोल्डर ओपन होगा
और यहाँ पर जो जेसन फाइल है इसको इम्पोर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं हमारा वेबसाइट के अंदर और यहाँ पर हम लोग हमारा जो जेसन फाइल है इसको इम्पोर्ट कर देते हैं इसके अंदर। ओके, यहाँ पर इम्पोर्ट में क्लिक कर देते हैं और हमारा जो सारा सेटिंग है वो यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर खुद ही देख सकते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो इम्पोर्ट सक्सेसफुली इम्पोर्ट। ठीक है, तो हमारा सारा सेटिंग यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुका है। अभी हम लोग अगर हमारा जो वेबसाइट है इसको देखना चाहते हैं तो इस तरह का हमारा वेबसाइट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बटन वगैरह सब कुछ यहाँ से अच्छी तरह से आ गया है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो इस तरह का सेटिंग हो चुका है और यहाँ पर प्रेजेंटेशन वगैरह यहाँ पर नेक्स्ट पेज के अंदर हम जाते हैं तो इस तरह का है। तो इस तरह का डिफॉल्ट सेटिंग हो चुका है। अभी हम लोग इसको और भी कस्टमाइज करेंगे और भी CSS ऐड करेंगे और भी चीज़ें यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम लोग साइड बार के अंदर आते हैं और इस साइड बार के अंदर हम लोग ये जो रिसेंट पोस्ट है इसको थंबनेल आकर शो कराते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक प्लगइन यूज़ करने वाले हैं। कौन सा प्लगइन, यहाँ पर अगर जाते हो तो यहाँ पर देख सकते हो थंबनेल रिसेंट पोस्ट के लिए, थंबनेल के लिए वर्डप्रेस के लिए जो प्लगइन हम लोग यूज़ करने वाले हैं रिसेंट पोस्ट विजेट विथ थंबनेल, इसको हम लोग अगर ओपन करते हैं इसमें क्लिक करके तो ये जो प्लगइन है ये यहाँ पर आ जाएगा और इस प्लगइन को हम लोगों को इंस्टॉल करना होगा। तो प्लगइन का नाम यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लगइन यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर प्लगइन से ऐड न्यू प्लगइन, ठीक है, और यहाँ पर सर्च करेंगे प्लगइन लिखकर और ये प्लगइन हमारा आ जाएगा। आप लोगों को मैं देखा था यहाँ पर प्लगइन आ चुका है, इसको हम लोग इंस्टॉल में क्लिक करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है, अभी इसको एक्टिव कर लेते हैं। एक्टिव करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको साइड बार में शो करेंगे इसको कट करके। तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर जाना होगा, हम लोगों को यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम लोग अपीयरेंस से जाएंगे, यहाँ पर विजेट सेक्शन में। ठीक है, अपीयरेंस से जाना है विजेट सेक्शन में। यहाँ पर जाने के बाद ये जो लेटेस्ट पोज ऑप्शन है इसको आपको कट कर देना है। ठीक है, ये जो लेटेस्ट पोज ऑप्शन है इसको हम लोग यहाँ से रिमूव ग्रुप में क्लिक करके रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर रिसेंट कमेंट वगैरह है तो इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं, रिसेंट कमेंट को भी। ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऐड में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग सर्च करने वाले हैं रिसेंट पोस्ट। ठीक है, तो रिसेंट पोस्ट सर्च करने के बाद यहाँ पर देखते हो रिसेंट पोस्ट विथ थंबनेल इसको ऑन करना है, क्लिक करना है और यह सारा आ गया है और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पर 5 पोस्ट और यहाँ पर आप लोग डिस्प्ले में टाइटल में रिसेंट पोस्ट दे सकते हो। यहाँ पर मैं रिसेंट पोस्ट देता हूँ और इसको अपडेट में अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट है इसके अंदर थंबनेल समेत यहाँ पर हमारा जो पोस्ट है वो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो कैटेगरी को हम लोग काट कर देते हैं, यहाँ से हम लोगों को कैटेगरी नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पर हम लोग कैटेगरी इसको हम लोगों को नहीं चाहिए तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, कैटेगरी को भी रिमूव कर देते हैं। ओके ओके, इस कैटेगरी ग्रुप को हम लोग रिमूव कर लिया। उसके बाद अपडेट में क्लिक अगर करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो रिसेंट पोस्ट विथ थंबनेल है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से तो आप लोग यहाँ पर रिसेंट पोस्ट थंबनेल को थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो, अपना हिसाब से इसका सेटअप वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट रखने देता हूँ। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को सोशल आइकॉन ऐड करना है। यहाँ पर हम लोग सोशल आइकॉन ऐड करेंगे। सोशल आइकॉन ऐड करने के लिए हमारा वेबसाइट के अंदर जाइए, यहाँ पर मैं एक CSS कोड आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो देख सकते हो वर्डप्रेस थीम फॉलो अस बटन इन साइड बार। ठीक है, तो ये जो फॉलो अस बटन है इसको ऐड करने के लिए ये जो यहाँ पर CSS कोड दिया हुआ है HTML और CSS कोड इसको कॉपी कर लेना है। तो इसको कॉपी करने के लिए यहाँ पर मैं टिक मार देता हूँ और ये कॉपी हो जाएगा और इसको कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर और भी एक विजेट लेने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग प्लस आइकॉन में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कस्टम HTML लेंगे, यहाँ पर कस्टम HTML। ठीक है, अगर कस्टम HTML यहाँ पर नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पर HTML लिख कर सर्च कीजिए तो यहाँ पर कस्टम HTML आ जाएगा, इसके अंदर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको कस्टम HTML देना है। इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग इसको डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को लिंक ऐड करना है। सबसे पहले इसको हम लोग पब्लिश में क्लिक करते हैं और इसका जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम लोग रिलोड करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा यहाँ पर आ चुका है डिज़ाइन और यहाँ पर हम लोग एक टाइटल देने वाले हैं फॉलोअर्स नाम से। तो यहाँ पर जो टाइटल हम लोग देंगे फॉलोअर्स, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से हम लोग इसको एक टाइटल देंगे। टाइटल देने के लिए यहाँ पर हम लोग एक प्लस आइकॉन में क्लिक करके यहाँ पर एक ग्रुप लेने वाले हैं तो इसको हम लोग काट कर देते हैं सबसे पहले और यहाँ पर
एक टाइटल लेंगे वाले हैं, इसलिए हेडर में लेते हैं, हेडर को इसको देते हैं फॉलोअर्स, उसके बाद इसके अंदर प्लस आइकन में, और इस बार कस्टम एचटीएमएल में जाते हैं और इस कोड को इस बार कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको डाल देते हैं। ठीक है, ये रहा, तो इस तरह का है। तो इसमें हम लोग इसको ऊपर करते हैं और यहाँ पर फॉलोअर्स जो बटन है इसको भी हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद पब्लिश में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ गया, यहाँ पर देख सकते हो इस बार हमारा आएगा फॉलोअर्स। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर यूट्यूब, टेलीग्राम, यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करना है। लिंक प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर जैसे कि मैं विजेट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन अगर करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर लिंक देने का ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हो सोशल लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक देने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सोशल लिंक के अंदर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूट्यूब, यहाँ पर यूट्यूब दिखाई देगा और यहाँ पर हैशटैग के अंदर आपके यूट्यूब चैनल का लिंक देना है। तो इस चैनल का लिंक हम लोग यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर हम लोग हैशटैग को कट करना है और यहाँ पर लिंक को ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टेलीग्राम का लिंक, आपका जो टेलीग्राम चैनल उसका लिंक यहाँ पर डालना है, उसके बाद फेसबुक का लिंक यहाँ पर डालना है और यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पर डालना है। और भी लिंक अगर ऐड करना चाहते हो तो ये जो आइटम है इसको यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करके यहाँ से को पेस्ट करना है, कॉपी यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर और भी लाइन में ऐड करना है, पेस्ट करना है। और यहाँ पर जो देना चाहते हो जैसे कि ट्विटर, ट्विटर यहाँ पर लिख सकते हो और ट्विटर का लिंक यहाँ पर देना है और यहाँ पर ट्विटर लिख दीजिए और यहाँ पर ट्विटर का आइकॉन फेव आइकॉन में जाकर यहाँ पर आपको ट्विटर का आइकॉन ऐड करना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं कोई भी ऐड आइकॉन नहीं करूँगा, तो इस तरह का आपको करना है। मैं अपडेट में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट है वो इस तरह का दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रो जो CSS है उसको यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एक्स्ट्रा प्रो CSS है वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो सारा चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाए और हमारा जो डिज़ाइन है उसको यहाँ पर सही से प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टमाइज ऑप्शन में क्लिक करते हैं। आप लोग अगर डैशबोर्ड में हो तो अपीयरेंस से कस्टमाइज में जाइए और यहाँ पर जो CSS दिया हुआ है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये CSS कोड दिया हुआ है, इस CSS कोड को आपको कॉपी करना है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, कॉपी करने के बाद यहाँ पर एडिशनल CSS के अंदर जाइए और यहाँ पर आपका जो CSS है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो CSS कोड है मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ। उसके बाद इसको पब्लिश में क्लिक करना, पब्लिश में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपका वेबसाइट को विजिट करते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरह का हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग डिज़ाइन वगैरह लुक वगैरह देख सकते हो इस तरह का है और यहाँ पर प्रेजेंटेशन का भी लुक यहाँ पर चेंजेस हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम लोग इस पोस्ट को ओपन करते हैं तो आप लोग देख सकते हो इस तरह का डिज़ाइन हमारा आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम है, यहाँ पर अगर जाते हो तो यहाँ पर देख सकते हो मेनू में यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर मेनू दिख रहा है, तो यहाँ पर हेडर को हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, इसलिए यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम लोग यहाँ से बैक जाएंगे। ठीक है, बैक जाने के बाद हम लोग हेडर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर बैक जाते हैं और यहाँ पर हेडर ब्लेंडर में जाते हैं और यहाँ पर साइड टाइटल और लोगो में जाते हैं और लोगो को थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर 150 देते हैं लोगो को 150। ओके, इस बार में भी हमारा ये साइज सही हो गया है, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये सही साइज है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का हमारा जो वेबसाइट है इसका यहाँ पर मेनू बार यहाँ पर वर्क कर रहा है, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर हमारा डिज़ाइन वगैरह और लुक वगैरह इस तरह का देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी सेटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा सेटिंग मैंने यहाँ पर आपको इंपोर्ट कर दिया है, तो यहाँ पर ज़्यादा सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तब भी आप लोग यहाँ पर सेटिंग वगैरह करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो यहाँ पर ये सारा सेटिंग वगैरह आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कैसे क्या करना है, कौन सा वाला सेटिंग आपको करना है, वो सारा चीज़ें यहाँ पर से कंट्रोल कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो यूनिक वेब स्कूल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।